आने वाले दिनों में दवा दुकानदार ग्राहक को जरूरत के हिसाब से दवाई दे सकेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि दो टैबलेट की जरूरत है लेकिन पूरी स्ट्रिप खरीदनी पड़ जाती है। जी बिजनेस के एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय जल्द ही ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है जो उपभोक्ताओं को के हक में ये फैसला देगा। अब पूरी खबर समझते हैं। जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ है। अमरीश, ये एक्चुअली काफी ज्यादा जो कस्टमर्स हैं उनके मतलब की खबर है। दवाई लेनी होती है, मानिए तीन दिन का कोर्स है या चार दिन का कोर्स है, दो दिन की कोर्स की दवाई दी है डॉक्टर ने, लेकिन केमिस्ट आपको पूरी की पूरी पत्ती हाथ पे थमा देता है। अब ये नियम कैसे बदल सकते हैं आने वाले समय में? देखिए स्वाति, ये बड़ी समस्या है। जब हमको दवाएं कम दिनों के लिए चाहिए होती हैं लेकिन उसका हमको पूरी स्ट्रिप लेनी पड़ती है, वजह उसके पीछे एकमात्र ये है कि दुकानदार का तर्क ये होता है कि अगर कटी पत्ती की दवाई उसको कौन लेगा, या इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी या फिर मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे बाकी लोगों को कन्विंस करेंगे इसके लिए। इसलिए आप या तो पूरा पत्ता लीजिए या तो मत लीजिए दवाई। अब ऐसे में झक मारकर उस कस्टमर को वो दवाई लेनी पड़ती है, वो बगैर जरूरत की वो दवाई उसके घर पर पड़ी होती है, एक्सपायर हो जाती है, यानी कि पॉकेट से ज्यादा खर्च भी करना पड़ता है और उसका कोई लाभ नहीं मिलता कंज्यूमर को। इस पक्ष में कई सारी शिकायतें मिली थी उपभोक्ता मंत्रालय को और इस पर काम करते हुए दो तीन तरह के मुख्य सुझाव हैं जो कि वो अगले कुछ दिनों में स्टेक होल्डर से डिस्कशन करेंगे। जो तीन सुझाव मुख्य तरह दिए गए हैं उसमें ये है कि जो स्ट्रिप होती है उसमें हर दवाई यानी कि हर टैबलेट के हिसाब से उसको परफोरेटेड पैकिंग की जाए, यानी कि उस हिस्से को काट कर या फाड़ कर निकालना आसान होगा और उस विशेष हिस्से पर सारी जानकारी जो दवा से रिलेटेड है वो मेंशन होगी। इसके अलावा ये भी सुझाव दिया गया है कि QR कोड के जरिए हर टैबलेट के पास यानी कि जो रैपर है उसके ऊपर QR कोड के जरिए उस रैपर में जानकारी सारी दी जाएगी कि इस दवाई का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुआ, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, क्या कंसोलेशन है, किस बैच नंबर की दवाई है। उससे दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि जितना कंज्यूमर को जरूरत है उतनी ही टैबलेट्स वो खरीदेगा, उतनी ही टैबलेट देने के लिए सुविधाजनक रहेगा दुकानदार के लिए भी। इसके साथ साथ अगर उसको लगता है कि दवा के डिटेल्स उसके पर्चे पर नहीं दिख रही हैं तो वो QR कोड स्कैन करके समझ पाएगा कि उसकी एक्सपायरी क्या है, ताकि अगर भविष्य में कभी उसको अचानक वो दवाई की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो उसके घर पर रखी है, या फिर दुकानदार को ये कन्फ्यूजन होती है कि इसकी एक्सपायरी क्या है, तो वो इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो कुल मिलाकर ग्राहकों की जेब पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े, उनको जबरदस्ती में भारी मात्रा में महंगी दवाइयाँ न खरीदनी पड़े, इसके साथ साथ ग्राहक को और दुकानदार को दोनों को पूरी डिटेल्स साफ सुथरे तरीके से दिखती रहे, इसको लेकर एक बड़ी पहल की है उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने। और जल्द ही सारे स्टेक होल्डर्स यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय, DCGI, सारे इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स, इसके अलावा उपभोक्ता मामले मंत्रालय इसको लेकर एक बड़ी बैठक करेगा और उस बैठक के बाद इस तरह का जो एडवाइजरी, इस तरह का जो सुझाव है उनको किस तरह से रोल आउट किया जाएगा उसका पूरा खाका जो है तैयार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में एक अच्छी खबर दवा के मामले में उपभोक्ता मामले मंत्रालय से आती हुई दिख रही है। जी अमरीश, धन्यवाद करेंगे इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका।